Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in the Department of Mechanical Engineering in the college associated with AKtU. Today we are going to have a discussion basically on the subject, the heat and mass transfer, the subject of BTech 5th semester from AKtU syllabus. Isse pehle bhi hum logon ne kuch थर्मोडायनेमिक्स के रिलेशन के बारे में पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में समझा, उसी को ही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हीट एंड मास ट्रांसफर में इसको एप्लीकेशन अप्लाई करके इसका डिस्कशन आज हम लोग करेंगे. कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और बेसिकली हम लोग कन्वेक्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो अगर हम लोग मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की अगर बात करें तो बेसिकली हमारे पास तीन तरीके के मोड हैं. The first one is the conduction, the second one is the convection and the third one is the radiation. That means, jitne bhi objects hain aapke, agar unki physical structure ko dekha jaye, to heat jo flow karega, heat transfer jo hoga, wo basically inhi teen process ke according hoga. Ya to wo conduction mein hoga, ya to wo convection mein hoga, ya to wo radiation mein usme heat transfer hoga. Hame aise pata hai ki heat is basically the energy in transit. Which transit from one place to another place due to temperature difference. Yani temperature difference ki wajah se ek heat flow karta hai kisi bhi body mein. To agar hum log pehle conduction ko leke chalein to isko samajhte hain ki conduction is the transfer of heat via direct molecular collision. An area of greater kinetic energy will transfer thermal energy to an area with the lower kinetic energy. Higher speed particles will collide with slower speed particles. The slower speed particle will increase in kinetic energy. As a result, the conduction in the most common form of heat transfer and occur via physical contact. That means, yahan par jo conduction ki baat hum log kar rahe hain, to agar in general dekha jaye, to conduction basically solid particles mein होता है. अगर हम लोग ये कहें कि फ्लूइड में नहीं होता या गैसेस में नहीं होता, देन ऑफ कोर्स वहाँ पर भी होता है, लेकिन कुछ सर्टेन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं. डेफिनेटली कंडक्शन भी फ्लूइड में भी हो सकता है, एयर में भी हो सकता है, गैसेस में भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कुछ सर्टेन उसकी कंडीशंस हैं. लेकिन मेजरली अगर देखा जाए तो इन जनरल फॉर्म में अगर देखा जाए तो बेसिकली वहाँ पर हम लोग कंडक्शन की बात अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि कंडक्शन बेसिकली सॉलिड पार्टिकल्स में ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से होता है. यानी सॉलिड पार्टिकल्स में जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बेसिकली मेजरली या हम लोग कहें बेसिकली कंडक्शन की वजह से होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक मेटेलिक रॉड अगर ले रहे हैं, कोई भी मेटल, कॉपर ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, या सॉलिड पार्टिकल्स है बेसिकली. यहाँ पर सॉलिड, ये सॉलिड रॉड है. अगर हम इसके एक इस स्पेस को हीट अप करें, इसका टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, इस स्पेस का टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा दें 20 से, मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर कुछ हुआ होगा 20 होगा 25 होगा, तो उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो इनिशियल टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम लोग मान लें कि इस रॉड का यूनिफॉर्म पूरा टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल कंडीशन में था, तो एक तो अगली बार अगर हम थोड़ी देर बाद अगर इस स्पेस को अगर हीट अप कर दें, यानी इसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम लोग कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल कंडीशन पे तो इस पॉइंट पे भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यहाँ पर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियल कंडीशन की बात अगर हम लोग करें. लेकिन थोड़े समय के बाद हम लोग देखेंगे कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर इसका हम लोगों ने कर दिया, इस स्पेस का अगर हम लोगों ने कर दिया है, तो धीरे धीरे क्या होगा, हीट फ्लो करेगी यहाँ से इस तरफ, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ. इसके बारे में डिटेल डिस्कशन भी हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हीट ट्रांसफॉर्म होगी इस स्पेस से इस स्पेस की तरफ. अब क्या होगा, यहाँ पर तो टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड हमने कर दिया है बाय एनी मीन्स, कोई भी किसी भी तरीके से हमने 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, थोड़े समय बाद इसका टेम्परेचर भी राइज करता चला जाएगा.
20, 30, 40, इस तरीके से यहाँ का टेम्परेचर भी राइज करेगा और अल्टीमेटली यहाँ का टेम्परेचर भी राइज करेगा, 70 हो जाएगा या 75 हो सकता है, 20 से ऊपर चलता चला जाएगा। लेकिन हम लोगों ने हीट क्या दिया था, सिर्फ इसी पॉइंट पे दिया था, हम लोगों ने पूरा यूनिफॉर्मली हीट नहीं दिया था। लेकिन हो क्या रहा है, हीट यहाँ से यहाँ पर अपने आप फ्लो कर रहा है। कैसे फ्लो कर रहा है, दैट इज़ ड्यू टू कंडक्शन। ये जो हीट फ्लो कर रहा है, ये जो टेम्परेचर इसका ज़्यादा हो जा रहा है मेटेलिक रॉड का, ये सिर्फ एक फिनोमेना है, दैट इज़ ड्यू टू कंडक्शन। अगर हम लोग इसमें मॉलिकुलर लेवल पे बात करें तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अगर इसका कुछ स्पेस अगर हम लोग यहाँ पर देख लें, अगर हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो हम लोग देखेंगे कि ये सॉलिड है बेसिकली, और सॉलिड में हम लोगों को पता है कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो वो नेग्लिजिबल होता है या बहुत कम होता है, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस होंगे हमारे वो बहुत ही नेग्लिजिबल होंगे, यानी आपस में दूसरे से एक तरीके से कॉन्टैक्ट बना होगा उन मॉलिक्यूल्स का। अगर हम लोग यहाँ पर, हमको पता है कि यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, इस तरीके से करते करते यहाँ तक, अगर हम लोगों ने इस स्पेस में अगर हीट दिया है तो होता क्या है एग्जैक्टली कंडक्शन में, कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी जगह को छोड़ते नहीं है। जाहिर सी बात है, हम लोग को पता है कि द डेंसिटी ऑफ दिस मेटेलिक रॉड इज़ हाई एज कम्पेयर टू द फ्लूड वन। दैट मीन्स अगर फ्लूड के कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस हमारा बहुत कम होगा। तो होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स अपनी जगह को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, यहाँ से यहाँ पर जा नहीं पाते क्योंकि डेंसिटी इसकी काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स जैसे ही हीट हम देते हैं तो अपनी जगह पे इनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, यानी ये अपनी पोजीशन पर रहते हुए अपनी ही पोजीशन पे वो वाइब्रेशन उसमें एनर्जी इंड्यूस्ड हो जाती है या कोलिजन करने लगते हैं, यानी एक दूसरे से कोलिजन एक तरीके से होने लगता है, लेकिन अपनी पोजीशन को ये छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि ये सॉलिड के बारे में हम लोग बात करें, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग गैसेस और फ्लूइड के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हम लोगों ने हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ गया इस मॉलिक्यूल का या इस रीजन का, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये है कि उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी एंड कोलिजन। बेसिकली क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अपने ही स्पेस में रह करके ये वाइब्रेशन करने लगेंगे, इनके वाइब्रेशन इसमें होने लगेगा और कोलिजन होगा एक तरीके से, ये आपस में एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होगा, ये हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल इससे इसके कांटेक्ट में आएगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ये भी अपनी जगह वाइब्रेट करने लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये अपनी स्पेस को छोड़ेगा नहीं, ये अपनी पोजिशन को नहीं छोड़ता है, ये अपनी पोजिशन पर ही रहेगा, लेकिन एनर्जी का ट्रांसमिशन होता चला जाएगा, हाई एनर्जी लो एनर्जी, लो एनर्जी से फिर इसकी एनर्जी बढ़ेगी, ये अपने वाले अगले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देगा, इस तरीके से करते करते यहाँ पर हमें जो इस मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसमिट होते होते यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने एनर्जी दी यहाँ पर, लेकिन वो ट्रांसमिट होते होते यहाँ तक मिल गई हमको, यानी कैसे मिली, वो बेसिकली कंडक्शन की प्रोसेस की वजह से मिली। ये जो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है यहाँ से यहाँ तक विथ कोलिजन विथ वाइब्रेशन और जो भी काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसमिशन हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा, ये एनर्जी ट्रांसमिशन जो कहलाएगा, इसे हम लोग कहेंगे दिस इज़ बेसिकली कंडक्शन। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कैसे कंडक्शन में एनर्जी का ट्रांसमिशन हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ होता है। तो सेम प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में जो कनेक्टेड हैं, ये आपस में एनर्जी देते देते यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसमिशन अपने आप हो जाता है और हमें जो हीटअप जो यहाँ पर हीटेड स्पेस होता है उस बिना किसी यहाँ पर भी हमें ज़्यादा टेम्परेचर हमें मिल जाता है मेटेलिक कंडीशन में या सॉलिड रॉड की कंडीशन में। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कंडक्शन बेसिकली
एक ऐसा प्रोसेस है जो मॉलिक्यूलर लेवल पे एनर्जी के ट्रांसमिशन से होता है, और वो एनर्जी कैसे हो सकती है, वो एनर्जी वाइब्रेशन एनर्जी हो सकती है कॉल्यूजन की वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो ट्रांसमिशन होता है उसे हम लोग बेसिकली कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। अगर हम लोग इक्वेशन के टर्म्स में बात करें तो हम लोग देखेंगे कि जो हीट है क्यू, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, ओके, दिस मस्ट बी इक्वल टू के डी टी अपॉन डी एक्स, के ए डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी इज, वॉट इज डी टी? डी टी इज बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस, हॉट और कोल्ड बॉडी। अगर दो बॉडीज की अगर हम लोग बात करें, इसका टेम्परेचर टी एच है, इसका टेम्परेचर टी सी है, और के इज बेसिकली कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। के को हम लोग कहेंगे दिस इज बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कितनी अच्छे तरीके से हीट फ्लो कर सकती है किसी भी बॉडी में, बेसिकली सॉलिड बॉडी की अगर हम लोग बात करें। ए इज बेसिकली क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका। टी हॉट, टी कोल्ड, टी इज बेसिकली टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी इज इक्वल टू टी हॉट एंड द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी इट इज इक्वल टू टी कोल्ड, एंड डी इज द बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द टू। ओके, तो अगर इसको के भी हमको पता है, एरिया हमको पता है, टेम्परेचर डिफरेंस हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा वो बेसिकली इस इक्वेशन का यूज़ हम लोग करेंगे आगे के न्यूमेरिकल्स में और आगे के एनालिसिस में। क्यू की बात हम करें तो ये पर यूनिट टाइम में हम लोगों ने ले रखा है, इसको किलो जूल या किलो वाट इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। एरिया बेसिकली हम लोग मीटर स्क्वायर में लेंगे, और टी यहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो डिफरेंस बेसिकली डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन में दोनों सेम आएगा, क्योंकि 273 ऐड हम दोनों तरफ करेंगे, दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है और केल्विन में भी ले सकते हैं, और डिस्टेंस की वैल्यू हम लोग जनरली मीटर के फॉर्म में लेते हैं। अब हम लोग कन्वेक्शन की बात करें। व्हेन अ फ्लूइड सच एज एयर और अ लिक्विड इज हीटेड एंड देन ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द सोर्स, इट कैरीज द थर्मल एनर्जी अलोंग। दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। हम लोगों ने कंडक्शन में पढ़ा कि बेसिकली कंडक्शन बेसिकली सॉलिड बॉडीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को होता है, जिससे कि एक स्पेस में अगर हीट देते हैं तो दूसरा स्पेस जो आपस में कनेक्टेड होता है वो भी हीटअप हो जाता है, जिसमें हीट ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा उसे हम लोग कंडक्शन कहेंगे। अब एयर की अगर हम लोग बात करें या फ्लूइड की बात करें हम लोग, तो वहाँ पर कंडक्शन बेसिकली मेजरली जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो बेसिकली कन्वेक्शन के थ्रू होता है। ऐसा नहीं है कि कंडक्शन भी एयर में नहीं होता है, कंडक्शन भी बहुत ही स्पेसिफिक केसेस में कंडक्शन भी पॉसिबल होता है, लेकिन उसके केसेस कुछ स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन मेजरली देखा जाए तो कन्वेक्शन जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफ़र का वो बेसिकली फ्लूइड में या एयर में जो बेसिकली देखा जाए तो हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो बेसिकली कन्वेक्शन के थ्रू होता है। कंडक्शन के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए उसके हम लोग को देखना पड़ता है, उसमें उसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो कन्वेक्शन की बात अगर हम लोग करें, अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें, ये सॉलिड बॉडी, इसका टेम्परेचर मान लीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके ऊपर एयर है, इसका इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी इसका टेम्परेचर ज़्यादा है एयर से, जाहिर सी बात है कि जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो हीट बेसिकली यहाँ से यहाँ को जाएगी, क्योंकि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है, या हाई एनर्जी का ट्रांसमिशन जो होता है वो बेसिकली हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ ट्रांसमिशन उसका होगा। तो कन्वेक्शन को समझने के लिए मान लीजिए ये सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया कंडक्शन कैसे होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एयर इसके आसपास चारों तरफ है, यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी एयर, यहाँ पर भी एयर। फॉर एग्जांपल थोड़े समय के लिए अगर हम लोग बात कर लें कि एयर मूव नहीं कर रही है, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो, वो सिर्फ अपनी पोजिशन पर स्टेशनरी, यानी
यहाँ पर जो एयर पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर एयर पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर भी एयर पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर भी एयर पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं इस बॉडी के कॉन्टैक्ट में जब आएंगे तब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ये मान के चल रहे हैं समझने के लिए कि वेलोसिटी अभी नहीं है, ठीक है, तब क्या होगा, ये एयर पार्टिकल्स इसके जब सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएंगे, इस हाई एनर्जी के पार्टिकल्स के कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा हाई एनर्जी से लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स की तरफ, यानी सॉलिड से फ्लूड की तरफ। लेकिन कंडीशन क्या है, एयर अभी मूव नहीं कर रही फॉर एनी इंस्टेंट अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर बेसिकली कंडक्शन होगा, जो हम लोगों ने बात कही थी यहाँ पे कि कंडक्शन बेसिकली एयर में नहीं होता है, बिल्कुल ये गलत चीज़ है, क्योंकि एयर कंडक्शन भी एयर में हो सकते हैं, ये उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर एयर की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, फॉर एग्जांपल हम लोग मान लें कि एयर यहाँ पे मूव नहीं कर रही है, वो सिर्फ एक स्पेस पे स्टेशनरी है, तो यहाँ से अब हीट इस सॉलिड पार्टिकल से इस एयर पार्टिकल्स में जाएंगे, और जैसे ही जाएंगे वैसे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ, यानी इस सॉलिड पार्टिकल से एयर जो फ्लूड है हमारा उस पार्टिकल की तरफ हीट फ्लो करेगी या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहाँ पर कंडीशन में हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर एयर में कंडक्शन हो रहा है, यहाँ पर एयर में कंडक्शन हो रहा है इस समय इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जब हम लोगों ने ये माना है कि एयर की वेलोसिटी ज़ीरो है। अब क्या होगा, ये जो आसपास वाली एयर है इसमें सॉरी इसका जो इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करेगा सेकंड कंडीशन में। पहले हम लोगों ने माना था यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, एयर मूव नहीं कर रही, अब हम लोग थोड़ा सा और एडवांस लेके चल रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो एयर है उसका टेम्परेचर कुछ कंडक्शन की वजह से बढ़ गया, अब क्या होगा, जब मान लीजिए 30 हो जाएगा या 40 हो जाएगा, अब ये जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है होगा क्या, यहाँ पर अभी भी एयर 20 डिग्री सेंटीग्रेड में है, लेकिन वो एयर जो इस सरफेस के कांटेक्ट में है उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, अब क्या होगा, एयर हमारी गर्म हो गई, हीटेड हो गई। एज वी नो दैट अगर एयर हमारी हीटअप हो जाती है तो उस कंडीशन में उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी वो एयर ड्यू टू बॉयंसी इफेक्ट ऊपर की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है। ऊपर की तरफ क्यों फ्लो करेगी, क्योंकि वो एयर हमारी हल्की हो जाएगी बेसिकली, तो क्योंकि डेंसिटी कम होगी एयर हल्की होने की वजह से ड्यू टू बॉयंसी इफेक्ट ये एयर आप ऊपर की तरफ मूव करेगी, यानी ये एयर 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाली एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही है, हीट ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी हो रहा है। अब क्या होगा, ये स्पेस खाली हो जाएगा, इस स्पेस में वो एयर आएगी जिसका टेम्परेचर कम है, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली, ये स्पेस में अब वो एयर आ गई 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली, अब ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड में फिर से कंडक्शन हुआ, फिर से कंडक्शन इस सरफेस की वजह से हुआ, अब ये फिर से हल्की हो गई विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द एयर पार्टिकल्स, अब क्या होगा, ये भी ड्यू टू बॉयंसी इफेक्ट ऊपर जाएगी। अब एक तरीके से ये करंट फॉर्म हो गई, यहाँ पे एक जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसकी एक करंट फॉर्म हो जाती है, यानी तो धीरे धीरे करके पार्टिकल्स अपने आप मूव करने लगते हैं एयर के केस में या फ्लूड के केस में, तो होता क्या है, एक करंट फॉर्म हो जाती है, दिस इज नोन एज बल्क मोशन। तो बेसिकली इनिशियल क्या हुआ हमारा, कंडक्शन हुआ, उसके बाद ड्यू टू टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर द डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू विच ड्यू टू बॉयंसी इफेक्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर रेजेस, दैट मीन्स इट विल मूव अपवर्ड, ड्यू टू विच द काइंड ऑफ कन्वेक्शन करंट फॉर्म, द काइंड ऑफ करंट इज फॉर्म्ड, और जब कंडक्शन इज टेकन अलॉन्ग विथ बल्क मोशन, दिस दिस कंडक्शन, अगर अब हम लोग यहाँ पे कंडक्शन की बात करें, हम लोगों ने पहले देखा था कंडक्शन क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का जहाँ पर पार्टिकल्स हमें मूव नहीं करते, लेकिन अब यहाँ पे जो एक करंट फॉर्म हो गई है पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स अब मूव करने लगे हैं, पहले हमने माना था कि वेलोसिटी जीरो है, लेकिन अब इस कंडीशन में क्या, पार्टिकल मूव करने लगे, यानी एक तरीके से बल्क मोशन हमको मिल गया है। जब कंडक्शन बल्क मोशन के साथ होगा या कंडक्शन के साथ मोशन होगा पार्टिकल्स में, यानी पार्टिकल खुद मूव करने लगेंगे, तो वो कंडीशन हमारी कहलाएगी, दिस इज नोन एज कन्वेक्शन।
तो ये बेसिकली ये कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट है. सो इन दिस वी कैन से व्हेन द कंडक्शन इज टेकन अलोंग विद द बल्क मोशन ऑफ द पार्टिकल देन वी कैन से द काइंड ऑफ कन्वेक्शन टेक प्लेस. और जाहिर सी बात है जो बल्क मोशन जो होगा हमारा बेसिकली सॉलिड के केस में जनरल नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल सॉलिड्स के मूव नहीं करते हैं, पार्टिकल्स इतने अच्छे तरीके से पैकअप होते हैं कि वो एक दूसरे से स्पेस में अपनी स्पेस को छोड़ करके दूसरे स्पेस में नहीं जा पाते. लेकिन अगर हम लोग एयर की बात करें या हम लोग बात करें फ्लूड की तो वहाँ पर क्या होता है उनके इंटर मॉलिकुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से मूव कर सकते हैं. तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बल्क मोशन होगा, पहले कंडक्शन होगा उसके बाद बल्क मोशन होगा जहाँ पर पार्टिकल्स खुद मूव करेंगे, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी को खुद लेकर के जाएंगे और उस कंडीशन हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर कंडक्शन और बल्क मोशन दोनों हो रहा है और दिस इज़ द कंडीशन फॉर कन्वेक्शन. अब बल्क मोशन बेसिकली दो तरीके से हो सकता है. पहला है इट्सेल्फ अपने आप ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस. ये जो एक तरीके से ये जो कन्वेक्शन हो रहा है ये बेसिकली फ्री कन्वेक्शन है, इसको हम नेचुरल कन्वेक्शन भी कह सकते हैं. क्यों कहते हैं नेचुरल कन्वेक्शन? तो क्योंकि बेसिकली बल्क मोशन हमारा दो तरीके से हो सकता है, एक तो फोर्सली हम मोशन करवाएं पार्टिकल्स को, दूसरा अपने आप. यहाँ पर जो बेसिकली जो कन्वेक्शन हो रहा है वो बेसिकली फ्री कन्वेक्शन हम लोग कहेंगे इसको. क्यों बेसिकली यहाँ पर फ्री कन्वेक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पार्टिकल्स हैं ये जो मूव कर रहे हैं ये ड्यू टू अपनी डेंसिटी डिफरेंस की वजह से मूव कर रहे हैं. डेंसिटी डिफरेंस की वजह से कोई एडिशनल हम लोग फोर्स बाहर से नहीं लगा रहे हैं. यहाँ पे सिर्फ हीटअप हो रहे पार्टिकल्स अपनी स्पेस को छोड़ रहे हैं, डेंसिटी उनकी कम हो रही है, वो दूसरी जगह चले जा रहे हैं, उनकी जगह पे एक ऐसा मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आ जा रहे हैं जिनकी डेंसिटी कम है, एनर्जी कम है, फिर से वो हीटअप होकर के दूसरी जगह चले जा रहे हैं. तो ये जो एक करंट फॉर्म हो रही है ये एक अपने आप यानी नेचुरल वे में फॉर्म हो रही है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस. द काइंड ऑफ मोशन टेक प्लेस ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस. तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये बेसिकली फ्री कन्वेक्शन है. तो यहाँ पर बल्क मोशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो फ्री हो सकता है एक तो फोर्स हो सकता है. और जब यही मोशन अगर हम लोग एडिशनल फोर्स दे करके कोई फैन चला करके या सीलिंग फैन चला करके अगर हम मोशन दे एयर के पार्टिकल्स को मूव करने के लिए जिससे कि कन्वेक्शन हमारा और तेज़ी से हो सके तो वहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि वो फोर्स कन्वेक्शन है. तो बल्क मोशन बेसिकली दो तरीके से हो सकता है, एक होता है फोर्स कन्वेक्शन और दूसरा होता है हमारा फ्री कन्वेक्शन या नेचुरल कन्वेक्शन. फ्री कन्वेक्शन में जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस यहाँ पे करंट फॉर्म होगी एयर के लिए, अपनी स्पेस को छोड़ेगा दूसरी जगह पे, अपने आप जो सर्कुलेशन होगा एयर का वो अपने आप ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस होगा. और फोर्स कन्वेक्शन में हम लोग क्या करते हैं एडिशनल फैन लगा देते हैं. अगर हम लोगों ने फैन लगा दिया यहाँ पे और वो फैन फोर्सफुली इस एयर के पार्टिकल्स को मूव करवा रहा है यानी एयर का पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं फोर्सफुली हो रहे हैं तो वहाँ पर जो कन्वेक्शन होगा वो बेसिकली हमारा कहलाएगा फोर्स कन्वेक्शन. तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से फोर्स कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन यहाँ पे कंसिडर हो रहा है. एक थोड़ा सा और हम लोग एग्जाम्पल देख लें कि जैसे हम लोग एक अगर चाय का एग्ज़ाम्पल लें, अगर हम लोग एक कप में देखते हैं चाय को हम लोग बेसिकली अगर हम लोग फूक फूक करके पीते हैं यानी इसका मतलब यह है कि चाय का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो अपने आप जो डिफरेंस हो रहा है अपने आप डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो हीटअप हो रही है हीट निकल रही है चाय से लिक्विड से एयर की तरफ उसको हम तो नेचुरल कन्वेक्शन कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरीके से एडिशनल आप फोर्स नहीं लगाते हैं कन्वेक्शन में जिससे एयर पार्टिकल्स आपके मूव कर सकें. लेकिन जब फोर्सफुली हम लोग एयर फ्लो करवाएंगे यहाँ पे इसको पंखे में रख देंगे तो हम लोग देखते हैं कि ये चाय जल्दी ठंडी हो जाती है. क्यों? क्योंकि बेसिकली जो फोर्स कन्वेक्शन होता है वहाँ पर हम लोग फोर्सफुली एयर पार्टिकल्स को मूव करवाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र आसानी से हो सके. तो यहाँ पर अगर हम लोग एडिशनली अगर मुँह से हवा निकाल करके इसको ठंडा करेंगे तो वहाँ पर उसको हम लोग कहेंगे दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ
फोर्स कन्वेक्शन, और अगर इन नेचुरल कोई भी हवा वेलोसिटी हम लोग अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं डेंसिटी डिफरेंस की वजह से अगर मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, तो वहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये फ्री कन्वेक्शन है या नेचुरल कन्वेक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि फ्री कन्वेक्शन या नेचुरल कन्वेक्शन कैसे यूज़फुल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कंडक्शन कन्वेक्शन कैसे यूज़ होता है HMT हीट एंड मास ट्रांसफर में। अगर हम लोग इक्वेशन की बात करें कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पर यूज़ होती है, तो बेसिकली हमारे क्यू इज़ द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, HC इज अ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। जिस तरीके से हम लोग कंडक्शन के केस में थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग लेते हैं मटेरियल की, उसी तरीके से H हम लोग यहाँ पे लेंगे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट फ्लूड के लिए, पर्टिकुलर फ्लूड के लिए। तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, एरिया है, जो करस्पॉन्डिंग एरिया जो आपका आ रहा है वहाँ जिसके थ्रू पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है उस कन्वेक्शन के थ्रू, तो उसको हम लोग एरिया से A से डिनोट करेंगे, मीटर स्क्वायर में इसकी वैल्यू होगी, और TS द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस, TF टेम्परेचर ऑफ द फ्लूड। जाहिर सी बात है अगर हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था, अगर इसका टेम्परेचर TS है, अगर इसका टेम्परेचर TF है और पर्टिकुलर एरिया इसमें A है, हीट ट्रांसफर कोफिशेंट H है, तो अमाउंट ऑफ जो हीट ट्रांसफर होगा वो बेसिकली इस इक्वेशन से आएगा HA dT से। H इज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशेंट, जो एक तरीके से प्रॉपर्टी है वो ये बताएगा कि कितनी अच्छी तरीके से हीट ट्रांसफ़र किसी भी फ्लूड में या लिक्विड में हो सकता है। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा, H की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा हमारा Q होगा, A की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा ज़्यादा Q होगा। एक चीज़ हम लोग को यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि जो कंडक्शन जो प्रोसेस होता है, अगर हीट ट्रांसफ़र रेट की हम लोग बात करें कि हीट ट्रांसफ़र रेट किस में ज़्यादा होता है, कंडक्शन में या कन्वेक्शन में, जो जाहिर सी बात है कन्वेक्शन में क्या होता है कि फ्लूड पार्टिकल्स खुद अपनी स्पेस को छोड़ करके दूसरे स्पेस में जाते हैं और खुद मूव करके एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पर करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो जो स्पीड है हीट ट्रांसफ़र की वो कन्वेक्शन के केस में ज़्यादा होगी, यानी एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जाने के लिए पोजीशन पे जाने के लिए हीट को जाने के लिए हमें कम समय लगेगा कन्वेक्शन में, और कंडक्शन में हमें ज़्यादा समय लगता है। क्यों कंडक्शन में इसलिए ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि बेसिकली हमारा जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है वो मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स खुद मूव नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग कंडक्शन की बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर जो टाइम लगता है हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होने में वो ज़्यादा समय लगेगा कंडक्शन में, और कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होने में हमें कम समय लगेगा। और अगर फ्री ऑफ फोर्स की बात करें तो जाहिर सी बात है अगर हम चाय को फूंक फूंक करके पियेंगे तो चाय जल्दी ठंडी होगी, यानी कि अगर हम रेट की बात करें रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र किस में ज़्यादा होता है कन्वेक्शन में ही फ्री या फोर्स में, तो फोर्स में जाहिर सी बात है ज़्यादा, क्योंकि एडिशनल हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पर भी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पर होता है। और भी इसमें कुछ दो तीन कॉन्सेप्ट और भी हैं स्पीड को लेकर के फोर्स ऑफ फ्री में, उसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।